टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। क्रिकेट का मैदान जंग का मैदान बन गया। दोनों टीमों में जमकर बैट से मारपीट हुई और चाकूबाजी हुई। इस चाकूबाजी में दो युवक घायल हुए, जिसमें से एक युवक का कान काट लिया गया। मामला यूपी के बाराबंकी के बादोसराय के हाथापुरवा का है, जहां क्रिकेट मैच के दौरान नो बॉल पर क्रिकेट का मैदान जंग के मैदान में तब्दील हो गया और दोनों टीमों में जमकर मारपीट हुई और चाकूबाजी में एक युवक का कान भी काट लिया गया। लोग मैच खेलने गए थे, वहां पर जो है बल्लेबाज ने गाली दी और जब गाली दी उसने तो हमारी तरफ के लड़के बोले कि गाली क्यों दे रहे हो। उन्होंने कहा गाली क्यों नहीं दे, यह जो है कि ये तो जब छः चली गई तब जो नौ दे रहे हैं, डेड गेंद दे रहे हैं, तो इससे बाद में झगड़ा हुआ। फिर क्या हुआ? फिर हुआ क्या, फिर ये सात आठ लोग थे, उठा ले गए उनको सरसों के खेत में, तो वहाँ पर चाकू लिए थे और मारने जा रहे थे गटाई पर, हमने गटाई घुमा लिया, कान पर लग गया, इसीलिए पूरा कान कर लिया। वहीं घायल दोनों युवकों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। रामनगर सीओ दिनेश दुबे ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। ये ददरौली भवानीपुर में क्रिकेट मैच हो रहा था, तो वहाँ पे बच्चों में आपस में वाद विवाद हो गया, मारपीट हो गई। इस संबंध में एक राजेंद्र लड़का है, उसके कान में चोट लगी और उसका कान फट गया। दूसरे पक्ष का भी एक चोट है लगी है, पुष्पेंद्र बता रहे हैं उसके हाथ में फ्रैक्चर है, उसकी भी डॉक्टरी परीक्षण कराया जा रहा है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है 326 का, और इसमें विवेचना की जा रही है। प्रभारी निरीक्षक बदोसरा को निर्देशित कर दिया गया है कि शीघ्र जो भी मारपीट करने वाले हैं उनकी गिरफ्तारी करें और सख्त कार्रवाई करें, जिससे भविष्य में तरह की बात ना हो। क्योंकि दो गाँव का बेटर है, भवानीपुर के पास में दुर्जनपुर है और दूसरा है हाथापुरवा और दुर्जनपुरवा, दो मांग लीजिए। तो सख्त कार्रवाई के लिए निर्देश।